वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड वेरी इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप वीडियो से कंटिन्यू जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे पुष्प की संरचना के बारे में। एक बाईसेक्सुअल फ्लावर, एक द्विलिंगी पुष्प कैसा होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, उसका उद्भव किस टाइप से होता है, और सबको देखेंगे। एक हम पुष्प को ओवरऑल समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम पुष्प को देखें तो पुष्प जो है एक रूपांतरित प्ररोह कहलाता है, एक मॉडिफाई शूट होता है ऐसा माना जाता है। इसका कारण ये होता है कि जो शूट होता है उसमें नोड और इंटर नोड होती है। नोड वह स्थान होता है जहाँ से शल्क या पत्तीनुमा एक संरचना निकलती है जिसको हम नोड कहते हैं, और दो नोड के बीच का जो स्थान होता है, जो गैप होता है, उसको हम इंटर नोड कहते हैं। तो इस तरह से जो शूट होता है, जो तना होता है, वो उसमें नोड और इंटर नोड होती हैं। जो नोड होती हैं वहाँ से पत्ती निकलती है, शल्क भी निकलती हैं। तो हम कहते हैं कि पुष्प में भी जो पुष्पासन होता है वहाँ पर एक चक्र में नोड और इंटर नोड होती हैं, जहाँ पर नोड से कुछ पत्तीनुमा संरचनाएँ निकलती हैं, रिंग में ये संरचनाएँ निकलती हैं, जिनसे कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम का निर्माण होता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि पुष्प में सबसे पहले पुष्प वृंत होता है, जिसके माध्यम से पुष्प पौधे से लगा होता है। एक पतली सी डंठल जैसी एक एक वृंत जैसी संरचना होती है, एक स्टॉक होता है, जिसके माध्यम से पुष्प पौधे से लगा होता है। ये पतला भाग आगे जाकर फूल कर एक संरचना बनाता है, जिसको हम कहते हैं पुष्पासन या थैलेमस। ये पुष्पासन जो होता है, ये पुष्पासन ही एक मुख्य संरचना होती है, एक मुख्य स्थान होता है जहाँ पर ये नोड और इंटर नोड उपस्थित होती हैं। इन्हीं ये नोड और इंटर नोड जो होती हैं, यहाँ पर एक विशेष स्थिति में उपस्थित होती हैं, जो एक गोलाई में, एक रिंग में उपस्थित होती हैं, और इन्हीं से कैलेक्स, मतलब कि जो सेपल हैं, पेटल हैं, एंड्रोशिया जो पुंकेसर हैं, और जो कार्पल हैं, ये निकलते हैं। तो ये पत्तीनुमा संरचनाएँ होती हैं जो आगे विकसित होकर एंड्रोशियम, गायनोशियम, कैलेक्स या कोरोला का निर्माण करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि पुष्प के जो रूपांतरित भाग हैं, जो कैलेक्स है, जो कोरोला है, जो एंड्रोशियम है या गायनोशियम है, ये एक तरह से पत्ती के रूपांतरण हैं। इसी कारण से जो गायनोशियम है, गायनोशियम को मेगास्पोरोफिल कहा जाता है, जो पुंकेसर होता है उसको माइक्रोस्पोरोफिल कहा जाता है। स्पोरोफिल का अर्थ होता है बीजाणु पर्ण, ठीक है, मतलब बीजाणुओं को धारण करने वाली पत्तियां, ठीक है। तो इसी कारण से इनको स्पोरोफिल जो है एक टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया जाता है, बीजाणु पर्ण का यूज़ किया जाता है। पर्ण का अर्थ होता है पत्तियां, क्योंकि ये पत्तियां ही हैं जो पत्तियां आगे रूपांतरित होकर गायनोशियम, एंड्रोशियम बनाती हैं या पेटल्स या सेपल्स बनाती हैं। इन रिंग में हम देखते हैं सबसे बाहर जो रिंग होती है, सबसे बाहर की जो दो रिंग होती हैं, एक होती है कैलेक्स और दूसरा होता है कोरोला, ठीक है। जो कैलेक्स होता है, जो हरे रंग की जो पत्ती जैसी संरचना होती है एक चक्र में, इसको हम कैलेक्स कहते हैं, इसको हम बाह्यदल पुंज भी कहते हैं। अगर हम पुष्प सूत्र लिखते हैं तो पुष्प सूत्र में इस कैलेक्स को के से दर्शाते हैं, ठीक है, के से दर्शाया जाता है। तो एक चक्र होता है सबसे बाहरी पुष्प में, जिसको हम कहते हैं कैलेक्स। इसके बाद जो इसका दूसरा चक्र होता है अंदर की तरफ, उसको हम कहते हैं कोरोला। कोरोला जो होता है, मल्टी कलर्ड जो होती हैं पत्तियां होती हैं, बहुत ही सुंदर पत्तियां होती हैं ये, और इसी के कारण पुष्प जो है बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। तो ये हरे रंग की भी हो सकती हैं, लेकिन हरे रंग के अलावा ये बहुत से रंग की ये पत्तियां होती हैं,
और इन दोनों जो चक्र होते हैं, एक कैलेक्स और कोरोला, इनका मुख्य रूप से जो यूज़ है पुष्प में वो है सुरक्षात्मक यूज़ है इनका, सुरक्षात्मक उपकरण है ये पुष्प के, जो पुष्प के सबसे आंतरिक चक्र एंड्रोशियम और गायनोशियम को सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण और कार्य क्रियात्मक जो अंग हैं वो एंड्रोशियम और गायनोशियम हैं। पुंकेसरों का जो समूह है जिसको हम एंड्रोशियम कह रहे हैं, और गायनोशियम जो है जो कि अंडकों का या कार्पल का समूह है जिसको हम गायनोशियम कह रहे हैं, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं पुष्प का। जो एंड्रोशियम होता है ये पुष्प का नर जनन अंग होता है, और जो गायनोशियम होता है ये पुष्प का मादा जनन अंग होता है। एंड्रोशियम पर जो माइक्रोस्पोर बनते हैं उनको हम पोलन ग्रेन कहते हैं। इन पोलन ग्रेन का एक विशेष महत्व होता है, इनमें नरकेंद्रक होता है। ये नरकेंद्रक इस गायनोशियम में, इस कार्पल में, अंदर ओवरी के अंदर बनने वाले ओव्यूल में जो एग होता है, एग को निषेचित करके बीज और ओवरी से फल का निर्माण करता है। तो कहने का अर्थ है कि एक एम्ब्रियो के निर्माण में एंड्रोशियम और गायनोशियम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये क्रियात्मक संरचनाएं होती हैं और इनकी सुरक्षा बहुत ही आवश्यक होती है, जिसके कारण पुष्प में ये दो संरचनाएं कैलेक्स और कोरोला इनका उद्भव होता है, जो बाहर से एक तरह से पुष्प को ढक देती हैं और ढक कर जो है एक तरह से सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसके अलावा जो पेटल्स होते हैं, जो मल्टी कलर्ड संरचना होती है, जो रंगीन पत्तियां होती हैं, इनका एक काम और भी होता है, पुष्प को आकर्षक बनाना। पुष्प को आकर्षक बनाने का एक बहुत ही बड़ा महत्व है, बहुत ही बड़ा एक तरह से लॉजिक है, क्योंकि जो पुष्प होते हैं जिनमें पर परागण होता है, जिनमें कीटों के माध्यम से परागण होता है, किसी इंसेक्ट या किसी बायो ऑर्गेनिज्म के माध्यम से परागण होता है, तो उनको आकर्षित करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये जो पत्तियां होती हैं बहुत ही एक तरह से भड़कीले रंगों की होती हैं, बहुत से अच्छे अच्छे रंगों से ये बनी होती हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे कलर हमें देखने को मिलते हैं पुष्प में, और उसका एक ही लॉजिक होता है कि वह जो आकर्षण है वह कीटों को आकर्षित करने के लिए, जो कैरियर होते हैं, जो पराकणों का वाहन करते हैं, उनको आकर्षित करने के लिए ये संरचनाएँ होती हैं। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो संरचना है वो तो एंड्रोशियम और गायनोशियम है, लेकिन जो सुरक्षात्मक संरचनाएं हैं उसमें कैलेक्स होते हैं, कैलेक्स होता है और कोरोला होता है। कोरोला का थोड़ा, कैलेक्स का ज़्यादा महत्व नहीं है, वो एक सुरक्षात्मक उपकरण ही है, लेकिन जो कोरोला होता है, कोरोला एक तो रंगीन होता है जो कि जीवों को अट्रैक्ट करता है परागण के लिए, ठीक है, पुष्पों की तरफ अट्रैक्ट करता है, साथ ही साथ कभी कभी पुष्पों में अंदर की तरफ, इस पेटल्स के अंदर की तरफ कुछ ग्रंथियां भी पाई जाती हैं जिनसे कुछ पदार्थ निकलते हैं, कुछ म्यूकस, कुछ ग्रंथिल संरचनाएं होती हैं जिससे कुछ पदार्थ निकलते हैं, जिसके कारण भी कीट आकर्षित होते हैं और विभिन्न जो वाहक हैं आकर्षित होते हैं। तो इन दोनों का मुख्य रूप से यही महत्व है। लेकिन अगर हम एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम में परागकणों का निर्माण होता है जो कि माइक्रोस्पोर होते हैं, जब यहाँ पर ये जो बनते हैं, ये नर जनन अंग है पुष्प का, तो यहाँ पर ये जो पोलन ग्रेन है ये एक तरह से मेल गैमेटोफाइट का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, एक मेल गैमेटोफाइट को दर्शाते हैं। यहाँ पर ये पोलन ग्रेन जो है पुष्प का एक मेल गैमेटोफाइट है, और यहाँ पर जो ओवरी है, ओवरी के अंदर गायनोशियम में यहाँ पर ये जो फूला हुआ भाग है ये इसका ओवरी कहलाता, अंडाशय कहलाता है। इसके अंदर जो होता है मेगा स्पोर होता है, ठीक है, जिस और इन्हीं के आपस में मिलने से जो है निषेचन होता है। तो हम पुष्प की पहले संरचना देख रहे हैं, जिसमें हम चूँकि हम इसमें कंफ्यूज ना हो तो हम इसको पहले स्ट्रक्चरल रूप में ही देखें, पहले हम इसको समझ लें, उसके बाद अगले वीडियो में हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो
तो हम देखते हैं कि जो पुष्प है, पुष्प में हम पुष्पासन है, पुष्पासन में हमें चार रिंग देखने को मिलती हैं। इन चार रिंग में सबसे बाहरी रिंग जो होती है वह क्या होती है, बाह्य दल पुंज होती है, जिसको कैलेक्स कहते हैं। इंग्लिश में इसको के द्वारा दर्शाया जाता है। ये क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ सेपल्स होता है, ये सेपल्स का समूह होता है या चक्र होता है। इसके बाद इसके अंदर जो दूसरा चक्र होता है, दूसरा जो अंदर की तरफ बाहरी चक्र होता है, उसको हम दलपुंज या कोरोला कहते हैं, इसको हम सी से दर्शाते हैं। और ये ए ग्रुप ऑफ पेटल्स होता है, पेटल्स का समूह होता है, दल का समूह होता है या चक्र होता है। तीसरा जो चक्र होता है इसके अंदर की तरफ, वो होता है एंड्रोशियम, इसको ए के द्वारा दर्शाया जाता है, इसको हिंदी में पुमंग कहते हैं। एंड्रोशियम एक ग्रुप ऑफ स्टेमिन होता है, ये अर्थात पुंकेसरों का समूह होता है। और जो चौथा चक्र होता है, सबसे आंतरिक चक्र होता है, जिसको हम कहते हैं गायनोशियम या जायांग कहते हैं, वह जो है कार्पल्स का समूह होता है, एक ग्रुप ऑफ कार्पल्स होता है। तो इस तरह से एक एक पूर्ण पुष्प में ये चार चक्र हमें देखने को मिलते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम। इसको हम एक अगर हम बड़े डायग्राम में देखें तो वो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे निचला भाग इसका पुष्प का, हम सबसे नीचे से शुरू करें तो इसका एक वृंत है, पुष्प का जो वृंत है उसको हम कहते हैं पेडिसिल या पुष्प वृंत, ठीक है। जो आगे चलकर आगे बढ़कर जो फूल सा जाता है, फूला हुआ सा भाग होता है, जिसको हम कहते हैं पुष्पासन। इस पुष्पासन पर ही ये इंटरनोड होती हैं, जहाँ से जो रिंग में उपस्थित होती है, जहाँ से कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम निकलते हैं। तो जो कैलेक्स होता है, कैलेक्स की एक इकाई क्या कहलाती है, सेपल कहलाती है, हिंदी में इसको बाह्यदल कहते हैं। इसके बाद इसकी जो दूसरा चक्र होता है, जो कि कोरोला कहलाता है, इसकी एक इकाई पेटल्स कहलाती है, पेटल कहलाती है, जो कि हिंदी में इसको दल कहते हैं। इसके अंदर की तरफ एक और चक्र होता है, जिसको हम एंड्रोशियम कहते हैं, एंड्रोशियम की एक इकाई स्टेमिन कहलाती है, पुंकेसर कहलाती है, ठीक है। पुंकेसर में जो ऊपरी भाग होता है, जिसमें परागकण भरे हुए होते हैं, जो कुछ कोष्ठों में बटा होता है, इसको हम कहते हैं परागकोश, ठीक है। ये परागकोश होते हैं, जिसमें यहाँ पर परागकण भरे होते हैं। और इसके बाद इसका ये जो परागकोश है, इस ये एक स्टॉक के द्वारा, एक पतली से एक फिलामेंट के द्वारा, ये फिलामेंट का बना होता है, जिसको हम कहते हैं पुतंतु या फिलामेंट। और ये पूरी संरचना जो होती है पुंकेसर या स्टेमिन कहलाती है। तो ये पुष्प का तीसरा चक्र होता है। और सबसे आंतरिक जो चक्र होता है वो कहलाता है गायनोशियम। गायनोशियम जो बना होता है उसकी एक इकाई कार्पल कहलाती है या अंडप कहलाती है, जिसमें ऊपरी भाग जो होता है, ऊपरी भाग एक रिसीविंग पार्ट होता है अंडप का या कार्पल का, जो कहलाता है स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहलाता है। ये पोलन ग्रेन को, परागकणों को रिसीव करता है, ठीक है, और जर्मिनेशन में मदद करता है। इसके बाद इसका जो निचला भाग है, वर्तिकाग्र का निचला भाग, जो कहलाता है वर्तिका या स्टाइल कहलाता है, ये एक तरह की नलिका होती है, जो पोलन ट्यूब को माध्यम प्रदान करती है अंदर प्रवेश करने के लिए, ओवरी में प्रवेश करने के लिए, ओवरी तक ये पहुंचाती है, एक माध्यम के रूप, माध्यम के रूप में यह पोलन ट्यूब को ओवरी तक पहुंचाती है। और ओवरी में भी कहाँ, ओव्यूल के अंदर, ठीक है। ओव्यूल में एक एक छिद्र होता है, जिसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल, एक बीजांड द्वार होता है, बीजांड द्वार से ये पोलन ट्यूब इस ओव्यूल में अंदर प्रवेश करती है और निषेचन होता है। निषेचन के बाद यही बीजांड जो होता है, यही जो ओव्यूल होता है, यह विकसित होकर बीज बन जाता है। और ये ओवरी जो होती है, ये ओवरी डेवलप्ड होकर फल में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पुष्प में कुल मिला के टोटल चार चक्र होते हैं, बाहर से अंदर की तरफ। पहला होता है बाह्यदल पुंज, जिसको हम कैलेक्स कहते हैं। दूसरा होता है दलपुंज, जिसको कोरोला कहते हैं। तीसरा होता है एंड्रोशियम, जिसको हम कहते हैं पुमंग। और चौथा होता है जायांग या गायनोशियम, ठीक है, जो कि कार्पल्स का एक ग्रुप होता है। सभी की एक इकाई होती है,
बादल पुंज कैलेक्स की एक इकाई सेपल कहलाती है, कोरोला की एक इकाई पेटल्स कहलाती है, ठीक है, तो पेटल कहलाती है, एंड्रोशियम की एक इकाई स्टेमिन कहलाती है, और गायनोशियम की एक इकाई कार्पल कहलाती है, ठीक है। तो ये हो गया पुष्प की एक सामान्य सी संरचना। इससे हम पुष्प के बारे में थोड़ा बहुत समझ गए हैं कि पुष्प क्या होता है, तो ये हम इस वीडियो के माध्यम से जान गए हैं। अब आगे हम जब पढ़ेंगे एंड्रोशियम के बारे में, गायनोशियम के बारे में, और पुष्पीय जो पुष्प के पुष्प में लैंगिक प्रजनन के बारे में, जब लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, तो हम इसको आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा पुष्प की संरचना। देखते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।